आपके भाई, कुछ अपने भाई के बारे में बताएंगे इससे पहले कि हम उन्हें बुलाएं। भाई जो है सब लोगों को पता है कि वो शुरू से ही मेरे साथ है और माशाल्लाह से मेरे साथ गाता है वो, और ब्रिलियंट सिंगर, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल, और हर शो में वो मेरे साथ होता है। अच्छा, हाँ। So basically, अगर कहें कि he is your right hand, बिल्कुल वो मेरा राइट हैंड है, और एज ब्रदर भी मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और सिंगर वो माशाल्लाह है ही अच्छा। है ही अच्छा, और इंसान जब आप अच्छे हो तो बाकी हर चीज को वो जो कहते हैं ना भाग लग जाती है। बिल्कुल। सो बुलाते हैं सज्जाद हैदर को। अच्छा, आज हम मैंने फोकस इसलिए भाई बहन पे रखा बिकॉज आई फेल्ट के ये एक ऐसा ताल्लुक है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर बात नहीं इतनी होती। बिल्कुल। माँ बाप पे होती है, बच्चों पे होती है, इवन सास ससुर के ताल्लुक पे आपकी हो जाती है, मियाँ बीवी की हो जाती है, पता नहीं भाई बहन क्यों इग्नोर कर दिए जाते हैं। मैं चाहती हूँ 2022 में हम अपने भाई बहनों पे भी थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने क्या, इसीलिए तो हम आए। बहन भाई का जो रिश्ता है वो मेरा ख्याल है कि अगर बहन भाई का रिश्ता वाकई में ट्रूली प्यार वाला और वो जो एक पंजाबी शरीकों वाला ना हो तो सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो बहन और भाई का है, और बाप के बाद माँ के बाद अगर एक बहन का मैका जो होता है वो भाई के दम पे। तो भाई जो है वो बाप की जगह पे भी होता है और माँ की जगह पे भी होता है आफ्टर। और वो कहते हैं ना कि एक अगर सपोर्टिव भाई बहन की जिंदगी में हो, जिस तरह मेरा भाई असद जो है उसने हर स्टेज पे मेरी सपोर्ट की। एज अ सिंगल मदर जब मैं अपने बेटे हमजा को रेज कर रही थी, असद का जो रोल था वो जो एक बाप की कमी थी वो मेरे भाई ने पूरी की। मेरे बच्चे मेरे साथ भी ऐसे ही है। सज्जाद ने भी जब मेरा भी बेटा हुआ तो सज्जाद ने भी, क्योंकि वहाँ अमेरिका में वो हुआ तो ये वहाँ पे आया और इसने मेरी ऐसे टेक केयर की जैसे कि कोई खातून या माँ का जो किरदार था। मुझे वो पंजीरी बना के दी, जो भी एक चीज़ें होती हैं वो सारी, खाने बनाए, कपड़े धोए, और इस तरह मुत्तकीन का माशाल्लाह से ख्याल रखा कि शायद ही कोई भाई अपनी बहन का इतना ख्याल रखे। यही तो बातें हैं व्यूअर्स। नहीं, ये तो सारे भाइयों का फर्ज बनता है कि नहीं करते तो नहीं है लेकिन इनके बच्चों के इतने वो पैंपर चेंज किए हैं कि अब अपने बच्चों की दफा मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसको पहले से ट्रेनिंग आ गई थी। यही तो बात है, अगर आप अपने ताल्लुक का अपने भाई भाइयों के साथ साथ लेके जाए तो आप उनको फुली ट्रेन आगे भाभी को हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल। हाँ। पहले वो भाभियों को हैंडओवर करते थे, भाइयों के हवाले करते थे, लेकिन अब भाइयों को ट्रेन करके तो भाभियों के हवाले कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इधर कुछ दुख भी है इस बात का, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, जहाँ पे दो सुपरस्टार पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं, तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमसे वक्त से पहले पिछड़ गई, द लेट शौकत अली, हमारे लेजेंड आर्टिस्ट, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही नफीस, बहुत ही टैलेंटेड और एक लेजेंड। अब वो हमारे साथ फिजिकली नहीं हैं लेकिन हमारे साथ हमेशा वो रहेंगे, और कैसे हमेशा रहेंगे, एक अजीम बाप के तो बहुत ही प्यारे और वो जो कहते हैं ना यूनाइटेड फ्रंट वाले बेटे हमारे साथ हैं, इमरान शौकत अली और अमीर शौकत अली। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करें भाई बहन के रिश्ते की, तो भाई भाई का रिश्ता आखिर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? ये तो एक ऐसा लाजवाब रिश्ता है कि मैं समझता हूँ कि सारी बुनियाद जो है माँ बाप के बाद उन्हीं की तरबियत का खासा है, और वैसे भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने और पाक हस्तियों ने, उनके अहले बैत ने जो रिश्तों की पहचान कायनात ने बताई है, उनको टीच किया है कि जितने भी रिश्ते हैं माँ बाप के और भाइयों के, भाई पाइयाँ बाज ना मजलसा सौं दिया नहीं, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जितने सूफिया ने, उन्होंने भाइयों के रिश्ते के, भाई के बगैर जो है वो कोई मैदान पता नहीं हो सकता। भाई आपकी बाजू हैं,
भाई आपकी ताकत है, आपकी रीढ़ की हड्डी है बेशक, वो आपको मतलब वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी के किसी भी मोहरे में कोई इशू आ जाए ना व्यूअर्स, तो आप सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हैं, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। और आपका जो भाई बहन होते हैं ना, लिटरली वो आपकी रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करते हैं, वो आपको ऐसे सॉलिड, मतलब मेरी बहन का जो एक किरदार रहा है मेरी जिंदगी में भैया, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी बहन ने जिस तरीके से मेरी जब डिवोर्स और सेपरेशन है, जिस तरीके से मेरी बहन ने मुझे समेट के वापस, वो जो था ना कोई चीज़ गिरती है टूट के बिखड़ जाती है, जिस तरीके से आपा ने मुझे समेटा, जिस तरह हमारे भाई बहन हमारे लिए करते हैं, हम शायद उनको उस लेवल पर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ का नाम लेना है, बाप का नाम लेना है, हम घबरा जाते हैं कि ज्यादा नाम ले लिए तो टीवी पे वो जो है ना वो टीआरपीज और रेटिंग और योर भाइयों का आपस में एक दूसरे को का साथ जिंदगी में देने में माँ बाप का जो है ना वो बहुत अहम रोल होता है, वो उनकी जो परवरिश है ना वो इस स्टाइल में की जाती है कि बहन भाई एक दूसरे का साथ दें, अलग अलग रखना जो है ना वो नहीं होता। दादा भाई ये एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद जब वापस आए तो अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, एंड ऑफकोर्स इस बात पे मैं मजीद बात करना चाहूंगी कि भाई माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी कभी कभी बच्चों को वन कर देते हैं, और जब बेटी और बेटे में फर्क करते हैं या किसी एक औलाद में फर्क करते हैं तो खुद ही अपने घर में फूट पैदा कर देते हैं। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आज हम अपने जो सब सिबलिंग्स यहाँ पे हैं उनसे कुछ ना कुछ लिखवाएंगे एक दूसरे के लिए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि थोड़ा सा भाई बहन का रिश्ता बड़ा एक क्यूट सा भी होता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है, क्योंकि एक तरह से आप दोस्त भी होते हैं, और अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन हो तो वो बहुत ज़्यादा अदब का भी कभी कभी ताल्लुक होता है, या आप बहुत ज़्यादा, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं कहते, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आप कहना चाहते हैं, जिस तरह मैं आई डोंट थिंक मैंने अपनी बहन को कभी टू हर फेस कहा है कि आपा थैंक यू सो मच, हर पॉइंट पे हर स्टेज पे जब भी मैंने खुद कोई स्टूपिड हरकत की या मेरे साथ कुछ हो गया आपने किस जिस तरह मुझे संभाला थैंक यू, उसी तरह जिस तरह मेरे भाई ने लाइक एक जो कहते हैं ना जैसे कि रीढ़ की हड्डी की हम बात कर रहे थे, उसका रोल अदा किया मेरी जिंदगी में एज माई सपोर्ट सिस्टम। सो ये चीज़ें हम कभी कभी कह नहीं पाते या कहते नहीं हैं क्योंकि बस वो नहीं हो पाता, तो आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक दूसरे को जो कहना चाहते हैं वो वहां पे लिख के कहें। बॉस आप अपने काम में मसरूफ हो जाएं, जब तक आप लिख रहे हैं हो गया नहीं आई वांट टू राइट मोर, नहीं तो वो देन यू गो अहेड एंड राइट मोर। हम तब तक वो बात जिस पे हमने बात छोड़ी थी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया कि भाई बहन पे डिपेंड, मतलब माँ बाप पे डिपेंड करता है क्या? हां बिल्कुल, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करें कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये है कि जब भाई बड़ा हो बहन छोटी हो या बहन बड़ी हो भाई छोटा हो, थोड़ा सा माँ बाप जो कोई डांट डपट वाला जो सीन है उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं जब, तो बच्चे के दिल में अपने बड़े की इज्जत रिस्पेक्ट जो है ना उसको पता होता है कि ये मेरी बहन है, मैंने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसके साथ कैसे जिंदगी में मैंने चलना है, ये माँ बाप ही बताते हैं। आप कह रही है रीढ़ की हड्डी, भाई भाई रीढ़ की हड्डी होते हैं, बहन भाई रीढ़ की हड्डी होती है, बार दफ़ा रीढ़ की हड्डी टेढ़ी भी हो जाती है, तो वो ये है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जो है ये माँ बाप का उनका अहम जो है ना ये रोल है इस चीज़ में। बिल्कुल सही, एज अ वुमन एज अ गर्ल, मतलब भाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपके भाई का तो बहुत अच्छा किरदार रहा, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त जो देख रहे हैं, मतलब मछली वाली जो बोटी होती है गोश्त की वो भाई को निकाल के दे दी, भाई ने मियाँ ने मतलब मियाँ ने बेटों ने खा लिया, उसके बाद एंड में बच्ची को कहा कि आओ खा लो, ये बड़ी कॉमन बात है। तालीम की बात आती है तो कहते हैं कि भाई लड़की को मतलब रहने दो, अब हमारे पास इतने ही वसाइल हैं कि हम दो बच्चों को पढ़ाएं तो दोनों बेटों को पढ़ा देते हैं, बेटियां छोड़ दो कुछ इस पे। आप मुझे पता है आप बहुत विमेंस राइट्स के लिए बात करते हो। अच्छा वैसे मेरे तो घर में ये नहीं था, मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं, हम लोग 3 बहनें हैं 6 भाई हैं, और सबसे बड़े मेरे जो भाई हैं गुलाम अब्बास वो भी मेरे साथ ही होते हैं एज मैनेजर, वो मेरे साथ काम करते हैं तो वो भी मेरे साथ होते हैं। फिर मेरे हमारे घर में हमारे अब्बू अम्मी जो हैं वो इस तरह उनका ये टेम्परामेंट नहीं था कि बेटियों को उन्होंने जो है वो इग्नोर करना है और बेटों को जो है वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देनी है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था।
लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा भी है, मेरे अपने जो सगे ताया थे उनके घर में यही होता था कि लड़कों के लिए गोश्त बनता था, लड़कियों के लिए दाल बनती थी, तो बहुत जगहों पे ऐसा होता भी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में क्योंकि नहीं था तो फिर भाई ऐसा है ना, मेरे मैं बता तो रही हूँ कि मेरे माशाल्लाह छह भाई हैं और छह के छह ही माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारी आपस में बहुत फ्रैंकनेस है माशाल्लाह। हम लोगों की ऐसे फ्रैंकनेस है कि जैसे कोई सहेलियां होती हैं। मेरी भाभियां भी बहुत अच्छी हैं, आगे से मेरे भांजे भतीजे भांजियां भतीजियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे घर का माहौल और फैमिली जो है वो बहुत आपस में माशाल्लाह से फ्रेंडली है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।